नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अपने बालकपन से ही बहुत ज्यादा शरारती और नटखट पाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने गोपियों के साथ भी रासलीलाएं की हैं, माता यशोदा को भी बहुत ज्यादा परेशान किया है और अपनी जितने भी दोस्त थे उनके साथ भी उन्होंने बहुत मस्ती की है। लेकिन यह अवतार भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। विष्णु के 32 अवतार हुए थे। 32 अवतार इसलिए हुए थे क्योंकि पृथ्वी पर बहुत ज्यादा आतंक बढ़ रहा था असुरों का, जिसके अधर्म को धर्म में परिवर्तित करने के लिए भगवान विष्णु ने कई बार अवतार लिए। उसमें से 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण का था। भगवान श्री कृष्ण का 8वां अवतार बहुत ज्यादा नटखट और लचीलापन था। उनके जो नटखट थे बहुत ज्यादा बालक रूप से ही थे, और अपनी माता को माखन के लिए परेशान करना, गोपियों को माखन के लिए परेशान करना, यहाँ तक कि रास्ते में चल रही गोपियों को कंकड़ से मटकी फोड़ना, ये सारे काम उन्होंने किए हुए थे। लेकिन उनके नीले रूप के कारण अक्सर उनसे सवाल होते, नीला रंग कैसे है। उन्होंने अपनी यशोदा माता से पूछा कि मेरा नीला रंग कैसे है, तो उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब माता गर्भवती थी उस समय पर उन्हें दो रंग यानी कि एक सफेद और एक नीला युग मिला था। जिस समय पर सफेद युग में तो बलराम और नीले युग में यानी कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार आया था, और भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के टाइम पर बहुत ज्यादा मस्ती की थी और यमुना तट में विषैले सांप को निकालने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण ने छलांग लगाई थी। कहा जाता है उस समय सांप विषैले सांप ने उन्हें काट लिया था, जिसकी वजह से उनके विषैले शरीर में फैल चुके थे, जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर नीला हो गया था। तो ये है कथा उसकी कि जब भगवान श्री कृष्ण का रंग नीला कैसे है। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।